यस क्लास टेंथ लेसन 1 to 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं आपकी रेजोल्यूशन वाली बुक में. नंबर 7th लेसन द मैन हु न्यू टू मच. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कुछ जानता है, ऐसे करेक्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. देखें फर्स्ट लाइन, आई फर्स्ट मैच प्राइवेट कॉलेज एट द ट्रेनिंग डिपोर्ट. मैं पहली मर्तबा मिला प्राइवेट कॉलेज से ट्रेनिंग डिपोर्ट पर, जहाँ पर प्रशिक्षण मिलता है. अ मैन इन लेबल टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म राइफल एंड इक्विपमेंट. एक व्यक्ति इज लेबल बहुत ही जो हम कहना चाहें निष्ठावादी हैं, टू एक्वायर इन हिज फर्स्ट वीक अपने पहले सप्ताह में आर्मी लाइफ के, टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म अपनी यूनिफॉर्म के साथ, गणवेश के साथ, राइफल और इक्विपमेंट. अ निक नेम, एनी वन हु सॉ प्राइवेट कॉलेज लेंथी स्टॉपिंग फ्रॉनिंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्लेस. एनीवन, कोई भी जो देखता प्राइवेट कॉलेज को, लैंकी होता, स्टूपिंग, फ्रॉनिंग, भयभीत हो जाता, अपने भौहों को वो ऊंचा कर लेता, थ्रोइंग हॉर्न रिम्ड स्पेक्लेस. अंडरस्टूड वाई ही वॉज नोन एज अ प्रोफेसर. अंडरस्टूड, ये समझने में कि वो क्यों है प्रोफेसर. दो हु हैड एनी डाउट्स ऑन द सब्जेक्ट लॉस्ट देम आफ्टर 5 मिनट्स कन्वर्सेशन विथ हिम. दोज हु हैड एनी डाउट, अगर कोई किसी को भी ऐसा कोई संदेह है इस बात पर, ऑन द सब्जेक्ट लॉस्ट देम, वो सब गायब हो जाते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट की अवधि में कन्वर्सेशन विथ हिम, उसके साथ संवाद करने के बाद. आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन द मक्सी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल विथ अ सर्जेंट, अ मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रसन्स. आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन, मुझे वो पहला लेसन उनका याद है. वी हैड इन मक्सट्री, ये लिखा जा रहा है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आर्मी में कैंप में जहाँ पर इस तरह के लेसन्स प्रशिक्षण उन्हें दिए जाते हैं, उस प्लेस को कहा जा रहा है. वी स्टूड इन अटेंटिव सर्कल, हम खड़े थे अटेंटिव सर्कल, एक गोल घेरे में. वाइल अ सर्जेंट, अ मैन एज डार्क एज सन ड्राइड एज रसन्स, एक व्यक्ति इतना ही अश्वेत जैसे कि सन, सूर्य की रोशनी जो है जितना कर देती है एक ड्राइड एज रसन्स को. वेयरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स रिबन को डिस्क्राइब द मैकेनिज्म्स ऑफ सर्विस राइफल, जो डिस्क्राइब कर रहा था मैकेनिज्म्स क्या हैं सर्विस राइफल के, कैसे वो वर्क करती हैं, कैसे उसे चलाना चाहिए वगैरह वगैरह. द मजल वेलोसिटी और स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, वो वेलोसिटी, वो स्पीड एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, जहाँ पर बुलेट लीव्स होती हैं द राइफल से. ही टोल्ड यू, वो तुमसे कहता है इज वेल ओवर 2000 feet per second, कि बहुत ही अच्छा होगा, ओवर 2000 feet, तकरीबन 2000 feet ऊपर तक, पर साउंड. अ वॉइस इंटरप्टेड 2440 feet per second, एक वॉइस जो है इंटरप्ट होंगे, एक ऐसी ध्वनि जो वो निकलेगी उसमें से, तकरीबन 2440 feet, 40 to 50 seconds में. इट वॉज द प्रोफेसर, द प्रोफेसर, दैट्स राइट, द सर्जन सैड विदाउट एंथोसिज्म एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग. क्या ये सही है, सर्जन सैड ऐसा कहते हैं, विदाउट एंथोसिज्म, बिना किसी प्रसन्नता की खुशी के, एंड वेंट ऑन लेक्चरिंग, और वहाँ से चल पड़ते हैं लेक्चरिंग से, जहाँ वो चल रहा होता है संवाद. वैन ही हैड फिनिश, जब वो अपनी बात पूरी करते हैं, पुट क्वेश्चंस टू अस, वह हमारे आगे प्रश्न लेकर के आता है, एंड पर हैप्स इन द होप ऑफ रिवेंज, शायद एक बदले की भावना होती है उसमें, प्रतिशोध की भावना होती है. ही टर्नड विथ हिज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन टू द प्रोफेसर, वो बार बार अपने प्रश्नों को लेकर के आता है प्रोफेसर के सामने. द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी, केवल इसका परिणाम इसका यही होता है, वॉज टू एनहेंस करना प्रोफेसर की जो ग्लोरी है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी जो महत्वता है, उसे प्रकाशित करना, उसे और ज़्यादा विकसित करना. टेक्निकल डेफिनेशन, द पार्ट्स ऑफ द राइफल इज यूज एंड केयर ही हैड देम बाई ऑल हार्ट, जो भी टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, जो भी तकनीकी परिभाषाएँ हैं राइफल के, जो पार्ट्स हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी केयर कैसे करनी है, ही हैड देम ऑल बाई हार्ट, वो सब कुछ वो देता अपने हृदय से, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी शिक्षाएँ. द सर्जन आस्क, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर, क्या आपने पहले कोई प्रशिक्षण लिया है. द प्रोफेसर आंसर विद अ फ्रेज दैट वॉज टू बिकम फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, कि वो बहुत ही फैमिलियर हैं, बहुत ही जाना पहचाना है इन सारी चीज़ों के साथ. नो सर्जेंट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये केवल और केवल एक इंटेलिजेंट रीडिंग, एक बहुत ही कुशाग्रता से अध्ययन का ही विषय है ये सारा मुद्दा जो है, ये सारा मामला जो है जो आप देख रहे हैं. दैट वॉज आवर इंट्रोडक्शन टू हिम, ये हमारा इंट्रोडक्शन ही, हमारा परिचय था टू हिम, उनके लिए. वी सून लर्न मोर अबाउट हिम, हम जल्दी ही सीखेंगे उनके बारे में. ही सॉ टू दैट, उन्होंने देखा उसे. ही मीन्ट टू गेट ऑन, उनका मतलब इससे था. ही टोल्ड अस, जो उन्होंने हमसे कहा. ही हैड ब्रेन्स
उनके पास दिमाग थे. ही वॉज श्योर टू गेट अप अ कमीशन बिफोर लॉन्ग. ही वॉज श्योर और पूरी तरह से आश्वस्त थे टू गेट अ कमीशन लेने में बिफोर लॉन्ग. एक लंबे समय से एज अ फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट अ स्ट्रिप. इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड. इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन, अपनी जो एम्बिशन थी, अपनी जो इच्छा शक्ति थी, उसे परस्यूट करने में ही वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया. वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट. हम उन्हें देना चाहते थे क्रेडिट उसका फॉर दैट. इसके लिए ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग दैम. ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल्स, वो लेते थे ट्रेनिंग प्रशिक्षण, एंड स्टेड अप लेट नाइट रीडिंग दैम, और लंबी एक बहुत लेट तक, रात तक हमारे साथ वो समय वो व्यतीत करते हैं. ही बैडस द इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस. बैडस करते वो इंस्ट्रक्टर्स को, जो प्रशिक्षक थे उन्हें, विद क्वेश्चंस के साथ उन्हें वो ट्रेन करते हैं. ही ड्रिल्ड विद एंथुसियाज्म एंड नो रूट मार्चेस. ड्रिल्ड करते विद एंथुसियाज्म के साथ, नो रूट मार्चेस, कोई रूट्स नहीं आता उनके साथ ऐसे किसी तरह के. ही वॉज नॉट ओनली मिरेकुलस टायरलेस बट इनफ्यूरेटेड अस ऑल विथ हिज हॉरिबल हार्टनेस. ही वॉज नॉट ओनली मेरिकल्स, केवल एक जो हम कहना चाहें मेरिकल्स, एक चमत्कारिता नहीं थी उनमें, टायरलेस, बिना थके, बट इनफ्यूरेटेड अस, लेकिन हम सबको वो क्या कर देते, आनंदित कर देते, हम सबको वो ज्ञानवान कर देते विथ हिज हॉरिबल हार्टनेस. अबाउट वॉट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स. वॉट अबाउट अ सॉन्ग, क्या एक गीत के बारे में जो हम कहें इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली, जो हमें ग्रीट नहीं करता पोलाइटली अच्छे ढंग से, एट द एंड ऑफ 30 मील्स, तकरीबन 30 मील्स, 30 मील के अंत में. हिज सैल्यूट एट द पे टेबल वॉज अ मॉडल टू बीहोल्ड. उनका जो सैल्यूट है पे टेबल्स पर वॉज अ मॉडल है टू बीहोल्ड, थामे रहने का. वैन ऑफिसर्स वर इन साइट, जब ऑफिसर्स जो हैं साइट एक दृश्य में होते हैं, वो स्विंग हिज स्विंग की आर्म्स. वैन ऑफिसर्स वर इन साइट ही वुड स्विंग करते अपने स्विंग की आर्म्स से अपने हाथों को लहराते हैं. एंड मार्च थ्रू द कैंटीन लाइक अ गार्ड मैन, और मार्च करते आगे की ओर बढ़ते कैंटीन की ओर लाइक अ गाइड मैन, गार्ड्स मैन की तरह. एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर्ड टू अस इन हिज ड्रॉनिंग रिमोर्सलेस वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. ही लेक्चर्ड, वो हमें ज्ञान देते इन हिज ड्रॉनिंग, अपने कठिन परिश्रम को लेकर के, रिमोर्सलेस वॉइस में, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज. हर एक मानवीय जीवन के जो जो पहलू हैं, जो जो हिस्से आते हैं जीवन के, उन सब में, जीवन के हर पड़ाव की, वो हमें ज्ञान देते हुए चलते हैं. एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टन रेस्पेक्ट फॉर हिम बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच. एट फर्स्ट, शुरुआत में वी हैड अ सर्टन रेस्पेक्ट, हम एक सम्मान करते फॉर हिम उनका, बट सून वी लिव्ड, लेकिन जल्दी फिर हम रहने लगते इन टेरर में ऑफ हिज अप्रोच, उनकी जो पहुँच होती, एक भय में हम रहने लगते जो उनकी पहुँच होती उनके प्रश्नों की हमारे तक. वी ट्राई टू हिट बैक एट हिम विथ क्लम्सी स्केसमेंट्स एंड प्रैक्टिकल जोक्स. हम कोशिश करते हैं टू हिट बैक उन्हें करने की, उन्हें थोड़ा डाउन करने की कुछ प्रैक्टिकल जोक्स के साथ. द प्रोफेसर स्केसली नोटिस, ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज टाइप. तो प्रोफेसर जो हैं बड़ी अच्छे ढंग से हमें नोटिस करवा देते इस बात से कि वो बहुत ही बिजी हैं अपना वर्क करने में, यानी उनके पास समय नहीं है इस तरह की चीज़ों को करने में. ईच टाइम वन ऑफ अस मेड अ मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम. हर एक वक्त जब भी हम कोई गलती करते हैं, प्रोफेसर उसे पब्लिकली सबके सामने सरेआम सार्वजनिक रूप से उसे ठीक करते हैं. वैन एवर वन ऑफ अस शोन, जब भी हम में से कोई शो करता है, द प्रोफेसर आउट शोन हिम, तो प्रोफेसर उसे आउट शोन करते हैं, हमें दिखा देते हैं. वैन आफ्टर अ हार्ड मॉर्निंग वर्क्स क्लीनिंग, जब एक सुबह में, एक बहुत ही बुरी सुबह जो हम कहना चाहें हार्ड वर्क के बाद, क्लीनिंग आउट आवर हर्ट, जब हम अपने हर्ट्स को यानी अपने कैंप्स की जब सफाई करते हैं. वी लिसन इन साइलेंस टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद अ रिंगिंग ड्यूटीफुल बीमिंग थैंक यू सर. वी लिसन, तो हम सुनते हैं इन साइलेंस, एक बहुत ही चुप्पी में, शांति में, टू द ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज, है ना, ऑर्डरली ऑफिसर्स प्रेज जो उनके सम्मान में किए जाते हैं. द प्रोफेसर वुड ब्रेक आउट विद अ रिंगिंग ड्यूटीफुल बीमिंग में, अपनी आवाज़ में वो कहते हैं थैंक यू सर. एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कॉन्डेंसिंग ही वॉज, कितने वो ऊँचे पद पर थे, कितने वो फास्ट थे, ऐसा हम कहना चाहें उच्च पद पे थे. इट वॉज ऑलवेज, हमेशा ऐसा होता, लेट मी शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओल्ड फेलो, और नो यू विल रूइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन.
और नहीं तो आप इस प्रकार से रुइन कर लेंगे उसको, डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपनी राइफल को दैट वे, इस प्रकार से ओल्ड मैन। ऐसा कहते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम वी यूज टू प्राइड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट इस पेज का जो पैराग्राफ है 43, यहाँ आते आते आपको पता चलेगा कि कैरेक्टर जो हमें सिखाना क्या चाह रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके अगेंस्ट में कौन से लोग हैं जो पढ़ने को मिलेगा। टुमारो लास्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। देन आफ्टर फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको पीडीएफ के थ्रू भेजे जाएंगे किसी वर्ड मीनिंग में। अगर शायद वीडियो में कहीं कुछ मिस हो रहा है तो आप मुझे वर्ड मीनिंग बता दें, इस वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही हो आपको, इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत आ रही हो क्लास 10th। ये बुक कोशिश कि इस वीक में मैं पूरी कर दूँ, तकरीबन 4 टॉपिक अब इस बुक में रहें तो हम इस बुक को पूरा करेंगे पहले। थैंक्स अ लॉट, वी विल स्टार्ट टुमारो, वी यूज टू प्राइड आवर सेल्फ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th।